नया रिसोर्ट बना है जो कि अभी थोड़ा सा ट्रेंडिंग चल रहा है कोलकाता में। अच्छा। बहुत खूबसूरत जंगल है ये, मतलब जस्ट अभी एंटर ही किए हम लोग इस जंगल में। और ये रहा गेट, इस गेट से चले हम लोग। अच्छा पापा चार्ज, खुशी पापा चार्ज। चलो चलो रेडी हो, रेडी हो, रेडी जल्दी 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 जल्दी। सूरज जब निकलता है तब और अच्छा समय चलता है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। बिहार से आने के बाद बहुत दिन तक ब्लॉग नहीं आया, बस थोड़ा सा सोच रहे थे कि क्या करना है, डेली ब्लॉग करना है नहीं करना है, ट्रैवल्स करना है, तो वही कन्फ्यूजन में थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया और एक प्लान बना अपना छोटा सा, बिकॉज खुशी का भी प्लान था कि हम लोग तीन आदमी निकले एक बार आसपास कहीं घूम के आए थे। एक कलकत्ता के पास ही करीब, पहले ब्रिज दिखाते रहो उसके बाद डिस्कस करते हैं। अभी ब्रिज पर हम लोग सेकेंड ब्रिज पर चढ़ने वाले हैं, मैंने चढ़ चुके ऑलरेडी, ब्रिज के बाद डिस्कस करते हैं। रुको, अभी यहाँ बहुत कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, बट एक चीज़ अच्छा है कि आज सुबह के वक्त हम लोगों को वैसा ट्रैफिक नहीं मिला। निकलने में थोड़ा सा लेट हुआ, 6 बजे निकलने का प्लान था और निकलते निकलते हम लोगों को 7 बज गया, सब इसके वजह से। तो खैर जहाज फिर गलती की, राइट वाला लेन लेना चाहिए था, ट्रक फंसा दिया फिर। ऑलवेज वो राइट वाला ही लेते हैं, आज इसमें फिर घुस गया। चलो तो अभी ट्रक दिखा के फायदा नहीं थे। हाँ तो जो बोल रहे थे, अराउंड 256 किलोमीटर पे एक नया रिसोर्ट बना है जो कि अभी थोड़ा सा ट्रेंडिंग चल रहा है कोलकाता में, तो वही देख के हम लोग भी प्लान किए कि चलो वहीं चला जाए। उसमें भी एक केस हुआ है, वो केस प्रॉपर्टी ऑनर से डिस्कस करके उसके बाद देखते हैं, वो बताना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये जो जगह है, जगह का नाम है क्या, दुर्गाडीह ना, दुर्गाडीह मुकुट मणिपुर में। तो चलो देखा जाए। पहला भाई एज यूजल कोलाघाट रुकेंगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके झाड़ग्राम वाला रास्ता लेना है मेरे को, बिकॉज दो रूट यहाँ पे बता रहा है, एक झाड़ग्राम होके है और एक मेदनापुर से राइट होके वो रास्ता जाता है। तो मेरे को झाड़ग्राम वाला ऑलरेडी पता है, वो रास्ता काफ़ी अच्छा है, सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छा है वहाँ पर, इसीलिए हम लोग वही रूट लेंगे। चलो कोलाघाट पहुँचे पहले।
चलो फाइनली पहुंच गए कोलाघाट। क्या हुआ, गेट नहीं खुल रहा? चलो 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 हीरो, और कुछ नहीं लगाया था ये बाबा। क्या दुम पटा सो रहा है यहाँ पे? ओह अच्छा, क्या खाओगे बोलो? दुम पटाश। कैसे कैसे बोल रहे थे? जूस जूस, क्या कोई जूस खा पे? अच्छा खुशी जूस खा भी, जूस दे दो। सोफा बैठी, डोसा खाए, जूस खाए, है ना? उसमें नहीं है, उसमें पानी है। तुम्हारा कौन सा जूस पियोगा बोलो? ऑनिच मशीन मशीन ऑनिच मशीन और ओ अच्छा 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 पोरे जबी अच्छा तक करते करते बा अच्छा है अच्छा इस बाटा क्या खा रहे हो? हाँ पापड़। डोसा तुम्हारे लिए पापड़ होगा? पिज्जा पापा पिज्जा। एक्चुअली उत्तप पिज्जा खाओगे तुम? ये उत्तपम है एक्चुअली, अपने लिए इस बार उत्तपम मंगाए। अच्छा स्लाइस काट के दिया, मेरे को लगा पूरा गोल होगा। पापड़ का भी ना। 10:21 हो रहा है, ब्रेकफास्ट कंप्लीट। ब्रेकफास्ट में हम लोग ऑर्डर किए थे एक उत्तपम, ओनियन उत्तपम, एक मसाला डोसा और आधी गली एक मौसमी का जूस और एक चाय। 610 रुपये का बिल हुआ था, थोड़ा बिल ज़्यादा हुआ बट वही साफ सफाई और थोड़ा फूड क्वालिटी मेरे को और सबसे डिफरेंट लगता है। बिकॉज इससे पहले एक बार हम लोग रुके थे इस साइड वाले में, मतलब जब कोलकाता से आते वक्त लेफ्ट साइड में रुके थे हम लोग। वो कन्वीनियंट होता है बहुत लोगों को, बट क्या है कि वहाँ का वॉशरूम देख के मेरे को, मेरा और फिर बाकी सारे रेस्टोरेंट से भी विश्वास छूट गया ये कोलाघाट वाले एरिया के लिए। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ बट ये थोड़ा सा अपना अपना होता है इच्छा, और मेरे को कोलाघाट सही लगता है कि हाँ चलो थोड़ा सा पैसा लगे बट वही साफ सफाई और फैमिली लेके जब जब कभी भी जाओ ना तो थोड़ा वो देखना चाहिए। तो यही है, अब एक बार फ्यूल अप कराना है मेरे को, बहुत ज़्यादा नहीं वैसे 102 किलोमीटर का रेंज बता रहा बट एक बार फ्यूल अप करा लेंगे। और एक्सपेक्टेड 2:20 का बता रहा टाइम, तो हमारा लंच टाइम रहेगा वो, एकदम सही टाइम पर पहुँच जाएंगे। चलो हिसाब से यहाँ से आगे से मेरे को थोड़ा दूर जाके राइट टर्न लेना है आई गेस। लोधासुली हम लोग पहुँच गए क्योंकि इससे पहले क्रॉस हुआ खेमासुली, खेमासुली के बाद ही आता है लोधासुली। देखो यहाँ झाड़ग्राम वाला बोर्ड दिख रहा है ना, ये तो झाड़ग्राम, वैसे झाड़ग्राम वाला रास्ता लेना है। चलो हाँ ये तो लोधासुली, वो ब्रिज पे नहीं चढ़ना है, नीचे से घुस के राइट लेना है। इसके बाद जो जंगल आएगा ना झाड़ग्राम वाला, बहुत सुंदर जंगल है वो। आदि बाबा आराम से सो रहे हैं इधर। इधर लिखा है कोलकाता चाला, कोलकाता बाद वो जंगल स्टार्ट होगा। इस रास्ते में ट्रैफिक बहुत रहता है, मतलब एक तो है सिंगल रोड ही बोला जाएगा और बस बस वाला लोग तो सचमुच नाक में दम करके रखा है, यहाँ बहुत रफ चलाता है। और यहाँ भरा पड़ा है होम स्टे रिसोर्ट दोनों तरफ रास्ते के। हम लोग अभी जैसे सालबनी है सॉरी लोधासुली से राइट टर्न लेके अंदर घुसे, जैसे रास्ते में दोनों तरफ रिसोर्ट और होटल बहुत है यहाँ पे।
जंगल स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये अब पूरा जंगल वाला रास्ता। सामने वाला गाड़ी यहीं पर रुक गया। अरे और थोड़ा अंदर जाइए चाचा, पूरा दोनों तरफ घना जंगल। अभी तो पतझड़ आ रहा है, अभी तो सूखेगा, अभी तो सारा पत्ता झड़ेगा, झड़ के फिर नया आएगा। ये बारिश के वक्त बहुत अच्छा लगता है, मतलब उस वक्त जो कलर लगता है देख के ना। एक्चुअली लाइसेंस चेक हो रहा था तो वही रोका गया, और ये सही टाइम पे ना एम परिवहन ऐप का नहीं ऐप ही नहीं खुल रहा था मेरा, तो पासवर्ड वगैरह रीसेट करके सारा कुछ करके लाइसेंस नंबर सिर्फ दिखा दिया तो छोड़ दिया इन लोग। बट एक चीज़ क्या है ना, मेरा ये आदत कभी भी मतलब जिस दिन से गाड़ी ली है उस दिन से सीट बेल्ट लगाना एकदम मस्ट है। इवन लोकल हो या हाईवे हो या घर के आसपास भी, बिना सीट बेल्ट एक तो ऐसा ही गाड़ी मेरे को चलने नहीं देगा, वार्निंग बजना शुरू हो जाएगा। और यहाँ अच्छा खासा चेकिंग चल रहा है, चले चलो। अब 12:40 हो रहा है, हम लोग बेलपहाड़ी पहुंच गए और यहाँ से एक घंटा 17 मिनट बता रहा है एक्सपेक्टेड 1:57 तक 157 तक पहुँच जाएंगे। क्या हुआ, जो कि 2:30 का टाइम दिखा रहा था वो अब हो गया हम लोगों का 157, तो समय थोड़ा सा कम हो गया है। ये अगर डायरेक्ट नेशनल हाईवे से आता ना और भी कम लगता है, स्टेट हाईवे होके आ रहा है। अंदर अंदर बीच बीच में मार्केट है कुछ कुछ जहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक मिल रहा है, झाड़ग्राम के अंदर से होके आए तो वहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को मूविंग ट्रैफिक था, ऐसा नहीं कि रुक जाना पड़ा, फंसा नहीं गाड़ी कहीं भी। ये आ गए हम लोग यहाँ पे बेलपहाड़ी हॉस्पिटल राइट साइड, ये बेलपहाड़ी का मेन मार्केट है गैस। बहुत नक्सली, मतलब बेलपहाड़ी लोधासुली ये सारा भरा हुआ था नक्सली से। बट अभी इसीलिए टूरिज्म को इन लोग इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि जहाँ पे एक सोर्स ऑफ इनकम दिख जाएगा ना, ये सारा चीज़ धीरे धीरे। और रोड तो नो डाउट पूरा इंडिया में अभी जो रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो एकदम कमेंडेबल है। ये बेलपहाड़ी मेन मार्केट है, कॉलेज टाइम में मेरे एक फ्रेंड यहाँ पे अक्सर आया करते थे, बिकॉज उनकी वाइफ मतलब उस वक्त तो गर्लफ्रेंड थी यहीं थी, ये था घाघरा फल खुशी राइट साइड में। हम लोग इससे पहले जब आए थे, हमारा वो झाड़ग्राम वाला ब्लॉग है जस्ट कोविड के बाद, ये रास्ता नीचे जाता है घाघरा फॉल। हाँ, यहाँ फोटोग्राफी चल रहा है पूरा, एकदम हीरो बैठे हैं। ये पूरा वो नेतरहाट वाला जैसे लग रहा है। उतरा की उतरने की जगह है। हाँ। ये बाबा। अब इन दोनों को चलो फटाफट चलो। बहुत खूबसूरत जंगल है ये। मतलब जस्ट अभी एंटर ही किए हम लोग इस जंगल में और इतना सही लग रहा है ना, मेन है रास्ता और अभी थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है। बहुत खूबसूरत, बहुत, और इतना प्लीजेंट वेदर है आज का कि उसकी वजह से स्वेटर पहनने का जरूरत नहीं है, और अगर स्वेटर भी पहनो तो एकदम कोई हल्का सा हुडी या कोई स्वेटर लगा लो। ये ऊपर की ओर जाना है हम लोगों को और इस साइड से हम लोग आए हैं अभी। चलो ए बाय, चलिए चलो गाड़ी में बैठो, चलो चलो।
और देखो ये पतझड़ का मौसम आ गया ना, पूरा अभी सूखा पत्ता सब तरफ गिरा हुआ है। और ऐसे ही अभी जब आ रहे थे उधर, एक इस जंगल के अंदर ही एक रिसोर्ट है, क्या था नाम रिसोर्ट का? सालबाड़ी, सालबाड़ी रिसोर्ट। तो चलो हम लोगों को और यहाँ से थोड़ा सा ही जाना है, अरे करीब 40-45 किलोमीटर होगा। भाई चल चल, बैठो 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 बैठो, चलो। पहले तक का रास्ता बहुत अच्छा था, और एक वो मेन रोड से आगे जहाँ से राइट टर्न लिए हम लोग, उसके बाद ये गांव वाला जो रास्ता शुरू हुआ है यहाँ से 13 किलोमीटर दिखा रहा है और डिस्टेंस, ये रास्ता बहुत खराब है, यही थोड़ा ज्यादा। जाते जाते राइट साइड में हम लोग दिखा खेत, और वो खेत ना देखने लायक है, देखो ये देख पूरा एकदम वॉलपेपर है, एकदम सरसों लास्ट स्टेज पे आ गया अपना, पूरा दूर दूर तक यहाँ पे पूरा सरसों है। फाइनली और 2 मिनट, बहुत इंटीरियर में बनाया यार इसको, मतलब इको रिसोर्ट के हिसाब से, इको टूरिज्म रिसोर्ट के हिसाब से ठीक लग रहा है एकदम पूरे जंगल के बीच में, आसपास कुछ है नहीं अभी, ये यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं, सामने कहीं पे एक गेट होगा इको टूरिज्म का, यहाँ पे थोड़ा सा ढलाई कर दिया है, पहुंच गए हम लोग। ये 2 रूम हम लोगों का बुक है, रूम नंबर 4 और रूम नंबर 3। जो फ्रंट वाला व्यू है थोड़ी देर में दिखाते हैं। अरे कहाँ आ गए? ये एक डाइनिंग एरिया, आई मीन एक बरामदा जैसा है, ये बैटरी वैटरी लगा है पावर बैकअप का, और ये रहा रूम। चलो चलो, हाँ नीट एंड क्लीन रूम है, एक्चुअली नया प्रॉपर्टी है ना, इसलिए सारा कुछ साफ सुथरा है। एक बार छोटा सा रूम टूर दे दिया जाए, तो ये रहा एक बेड, ओह आदि के लिए तकिया लगा हुआ है और एसी लगा हुआ है, जो शायद ज़रूरत नहीं पड़े हम लोगों को। एक टेबल है यहाँ पे, चेयर दिया हुआ है, यहाँ से बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा आएगा जो बाद में दिखाएंगे। ओह टीवी भी एकदम बड़ा सा लगा हुआ है, ससुर जी को लाने से खुश हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन चलेगा कि नहीं? ये पूरा कबर्ड है यहाँ, और कबर्ड में ही एक आईना लगा हुआ है,
कवर्ड के अंदर कुछ भी नहीं है, आदि को यहाँ पे डाल दिया जाएगा रात को, है ना। जहाँ शुगरी शुगरी कोरी तो इसमें चोरी। ये रहा वॉशरूम, वॉशरूम का लाइट 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 स्विच देखो तो किधर, उधर से चलाओ तो देखो ऑन कर। हाँ है तो ये रहा वॉशरूम, ठीक ठाक है सब, सब कुछ नया है इसलिए कोई कंप्लेन तो हो ही नहीं सकता, अभी सारा कुछ साफ सुथरा ही है, अच्छा है। चलो गीजर वीजर सारा कुछ लगा हुआ है। तो यही रहा हमारा रूम, तो थोड़ा फ्रेश फ्रेश होके हम लोग अभी निकल पड़ेंगे ये लंच करने के लिए। और ये टॉयलेटरीज में क्या क्या दिया हुआ है, एक साबुन है, एक साबुन है यहाँ पे, और दो शैम्पू है जिससे हम गाड़ी धोएंगे, दो पानी का बोतल है आई गेस कॉम्प्लीमेंट्री। तो यही रहा, तो चलिए चला जाए। पावर सॉकेट तो भर दिया है यहाँ पे, फैन वैन सब कुछ है। चलो पहले लंच करते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो क्या किया जाए, इस ब्लॉग को यहीं पेंट कर ले, नया बनाते दूसरा। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, दूसरे वाले में दिखाएंगे इस रूम का जो मेन सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो, बिकॉज क्यों बुक किया गया और ऐसे इंटीरियर में आया क्यों गया, बताया जाएगा अगले ब्लॉग में। चलो मिलते हैं, बाय।